नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है और पाठ का नाम जो है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ऊपर आधारित है, जिन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों, ये हम आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, बहुत हमको प्राउड होता है, लेकिन आजादी के इस आंदोलन में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी जान लगा दी, और उन्हीं को याद करते हुए ये पाठ का सृजन किया गया है, जिसके लेखक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। और इन्हीं के ऊपर एक हम छोटा सा वीडियो आइए पहले देखते हैं, फिर मैं पाठ की व्याख्या करता हूं। हमारे अनेक देशभक्त शहीदों ने हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनमें से एक प्रमुख हैं। आइए हम एक छोटा सा वीडियो इनके ऊपर देखते हैं। जुलाई 1856 के दिन हरी भरी रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। उनके पिता गंगाधर पंत तिलक खुशी से झूम रहे थे, आखिर तीन सुंदर बेटियों के बाद जो उनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया था। जब बाल 10 साल के थे तब उनके पिता का तबादला पूना हो गया। पिता ये सोचकर काफी खुश हुए कि अब बाल की पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में हो पाएगी। स्कूल जाने वाले बाल जितने होशियार थे उतने ही हट्टी भी, सच्ची बातें कहना पसंद करते थे, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या नहीं। और ये बात उनके शिक्षकों को भाती नहीं थी। उन दिनों बाल विवाह काफी आम था, शायद इसलिए 15 साल के बाल की शादी 10 साल की सत्यभामा से हो गई। दहेज में ससुर ने सोने की अंगूठी देनी चाहिए, पर बाल ने किताबें मांगी। जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया। पहले दिन रेशम की धोती पहन के जब वो पहुंचे तो बाकी बच्चों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, पर उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब देके अपनी सोच का लोहा मनवाया। वो बोले, इसमें क्या खराबी है, ये तो हमारी पारंपरिक पोशाक है, क्या अंग्रेज खाने पे जाते वक्त अपना सूट बूट नहीं पहनते। डेक्कन कॉलेज में दाजी अबाजी खरे उनके दोस्त बने। दाजी के साथ वो काफी समय बिताते थे। दाजी ने उन्हें सेहत बनाना सिखाया, पौष्टिक आहार खाना और कुश्ती करना सिखाया। बाल ने दाजी को दिखाया कि वो कितने अच्छे तैराक हैं। ऐसे ही समय बीत गया। खेल कूद की वजह से पहली परीक्षा में बाल फेल हो गए। फिर उन्होंने ठान लिया, मैं फेल हो गया हूँ, मैंने ताकतवर शरीर तो पा लिया पर मेरी पढ़ाई पे इस बात का असर हुआ, मुझे अपना समय खेलकूद और पढ़ाई में बांटना होगा। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, पढ़ाई में खूब मन लगाया और डेक्कन कॉलेज के आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसके ठीक बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। तभी उनकी दोस्ती गोपाल गणेश आगरकर से हुई। आगरकर समाज सेवक थे, उनसे मिलके बाल का दिमाग कुछ और खुला। वो जनता को उनके हक के बारे में बताना चाहते थे और उनके हिसाब से शिक्षा ही एक ऐसा तरीका था जिसकी मदद से वो ये काम कर सकते थे। इसी सपने को साकार करने के लिए तिलक और उनके तीसरे साथी चिपलुंकर ने एक स्कूल की स्थापना की। स्कूल का नाम पड़ा द न्यू इंग्लिश स्कूल, जिसमें बहुत से बच्चों ने दाखिला लिया। तिलक का मानना था कि सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा, बड़ों को भी शिक्षित करना होगा। चिपलुंकर ने एक अखबार शुरू करने का सुझाव दिया। तिलक ने एकदम इस सुझाव की सराहना की और ये कहा कि उन्हें एक नहीं दो अखबार निकालने चाहिए, एक अंग्रेजी में और एक मराठी में। कुछ इसी तरह जन्म हुआ केसरी और मराठा का। केसरी मराठी अखबार बना और मराठा अंग्रेजी। ये अखबार छाप के तिलक और उनके साथियों ने खुद घर घर बांटे। जब जनता ने ये अखबार पढ़े तो उनके दिमाग पे तिलक के विचारों ने असर किया। लोग तिलक के बहुत से विचारों से सहमत थे। इसके बाद आया मील का एक और पत्थर, या फिर कह सकते हैं दो और पत्थर। तिलक और उनके साथियों ने फर्गसन कॉलेज और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की।
इसके बाद उन्होंने सोचा, आम जनता को भी उनके हक के बारे में बताना चाहिए, इस दिशा की तरफ पहला कदम उठाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि अलग अलग बिरादरियां साथ आ जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गणेश चतुर्थी रास्तों पे मनाने का रिवाज शुरू किया। उसके बाद वो रायगढ़ पहुंचे और वहां उन्होंने सबके साथ शिवाजी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। ये दोनों काम कर उन्होंने लोगों का समर्थन पाया। अब यूं हुआ कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, बेबस किसान अपने घर छोड़ के जा रहे थे, लेकिन तिलक ने उन्हें रोकना अपना फर्ज समझा। उन्होंने किसानों से कहा कि उनकी फसल तो तबाह हो गई है, लेकिन उन्हें अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें सरकार से ऐसे तकलीफ से भरे मौके पे मदद मांगनी चाहिए। अब सूखे से जूझ ही रहे थे कि पूना में हैजा फैल गया। पहले तो सरकार ने इतने बड़े हादसे को नजरअंदाज किया और जब बाद में ध्यान दिया तो वो भी बड़ी कठोरता से। चार्ल्स रैंड नाम के अफसर को हैजा कमिश्नर बनाया गया। उसने लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। जिस घर में भी हैजे से पीड़ित कोई होता तो वो जबरदस्ती उन्हें अस्पताल भेजता। बच्चे हो या औरतें, आदमी हो या बूढ़े, वो लाठी के जोर पे काम कर रहा था और इसी वजह से लोगों का सरकार पर से विश्वास और उठ रहा था। तिलक ने जुल्म के बारे में अपने अखबार में छापा और यहाँ तक के हैजे से पीड़ित लोगों के लिए उसने अलग से एक कैंप लगवाया। अंग्रेजों से तंग आके एक दामोदर हरी चपनेकर ने रैंड को भून दिया। सरकार का मानना था कि चपनेकर को तिलक के अखबार ने उकसाया था। यहाँ रैंड की मृत्यु हुई। वहां सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। जेल में कुछ समय बिताने के बाद 6 सितंबर 1898 को तिलक रिहा हो गए। जुलाई 1905 में तिलक को एक और खबर मिली। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। तिलक समझ गए कि ये कर्जन हिंदू बंगालियों और मुस्लिम बंगालियों के बीच में फूट डालना चाहता है। तिलक को विश्वास था कि कर्जन सफल नहीं होगा। पार्टीशन से एक फायदा हुआ, स्वदेशी मूवमेंट को थोड़ी और हवा मिली। सिर्फ पुणे में ही नहीं, पूरे देश में लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार किया। यही समय था जब आजादी की लड़ाई में फोड़े जाने वाला पहला बॉम्ब मुजफ्फरपुर में फूटा। ये अंग्रेजों पे फोड़ा गया था। तिलक पे जो केस चल रहा था वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस आतंक के लिए तिलक को जिम्मेदार ठहराया। तिलक ने चीख चीख के कहा कि वो बेगुनाह है, पर फिर भी तिलक को 6 साल की सजा हुई। उन्हें मंडले भेज दिया गया। ये खबर सुन के बॉम्बे में 6 दिन की हड़ताल हुई। कुछ ऐसा असर था तिलक का। सजा काटने के बाद जब तिलक अपने घर वापस आए तब उन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू की। हालांकि उनके रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि सियासत में अब और दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और उन्हें अपना ध्यान साहित्य में लगाना चाहिए, पर उनका कहना कुछ ये था। क्या साहित्य में दिलचस्पी, जबकि देश गुलामी कर रहा है? किसी को तो काम करना है। जो काम मैं करना चाहता हूँ अगर कोई नहीं करेगा तो अंग्रेज ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे। होम रूल के तहत उन्होंने जनता को ये कहा कि भारत उनका देश है और इसे चलाने का हक भी उन्हें होना चाहिए, किसी विदेशी को नहीं। इस दौरान उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण शब्द कहे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। 1 अगस्त 1920 को तिलक तो चल बसे, पर उनके जाने के बाद उनका सपना जरूर पूरा हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लोकमान्य गंगाधर तिलक अपनी लड़ाई में सफल रहे और सारा देश बोल उठा, लोकमान्य तिलक की जीत हुई, लोकमान्य तिलक की जीत हुई। यह वीडियो अमर चित्र कथा की कॉमिक पे आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ऊपर वाले लिंक पर। तो बच्चों, आपने अभी ये वीडियो देखा, ये तिलक जी के ऊपर आधारित था। किस प्रकार वो मुसीबतों को अपने ऊपर ले करके, अनेक मुसीबत झेल करके हमारे देश को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर लोग स्वार्थी हो जाएं या मैं क्यों ये काम करूं, दूसरे क्यों नहीं,
तो इस प्रकार कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो जो हमारा पाठ है वो तिलक के ऊपर आधारित है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये पाठ का नाम ही है। इसके लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं। आइए अब टेक्स्ट बुक के ऊपर आधारित जो प्रश्न उत्तर है इनके बारे में परिचय है वो हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, इनका जन्म 1856 दाबोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु 1920 में, जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र। परिचय, बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इसके पहले क्या था कि आजादी की क्षेत्रीय क्षेत्रों से आवाजें उठ रही थी कि हमारे इस क्षेत्र को आवाज करो, तो इन्होंने जो ऑल इंडिया बेस पर एक माहौल बनाया तो अंग्रेजों की नींव जो थी वो हिल गई और अंग्रेज भी समझ गए कि अब भारतीय धीरे धीरे एक हो गए हैं और हमें बाहर जाना पड़ेगा। जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ, अंग्रेज डर गए थे, इनकी मांग से डर गए थे। इसके पहले छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती थी, मांगे हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने जो पूर्ण स्वराज की मांग पैदा की उसे डर गए। जनमानस ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी, लोकमान्य माने जिसको सब लोग नेता माने, सभी लोगों का सपोर्ट सहयोग इनके साथ में था क्योंकि ये देश की बातें कर रहे थे, क्षेत्र की बातें ना करके देश की बातें कर रहे थे। इससे अंग्रेज इनके क्रियाकलापों से आतंकित थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं, ये भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे। बच्चों, गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए हम पद्य संबंधी गद्य, जो गद्य इन्होंने ये पाठ लिखा, स्वतंत्र स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इससे संबंधित जो बातें हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह असर अमर बताया। देखो, इनके विचारधारा भगवत गीता से मिलते जुलते हैं। ये स्वराज्य को अजर अमर मतलब मिलना ही है, इन्होंने उसको उसके ऊपर बल दिया। अब जन्मसिद्ध अधिकार है और अजर अमर बताया। अजर अमर ये शब्द कहां से आया बच्चों? भगवत गीता में लिखा है, न जायते मृते वा कदाचित नयम भूत्वा भविता वा अजो नित्यम शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब ये आत्मा जो है अजर अमर है, इसे मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार ये आत्मा भी नई शरीर को, पुरानी शरीर को छोड़कर नई शरीर में प्रवेश करती है। और न तो इसे, ये पाठ में भी ये बातें बताई गई हैं, न तो इसे अग्नि जला सकती है, न तो पानी इसे डुबा सकता है, डुबा कर इसकी मृत्यु कर सकता है, मार सकता है, न तो वायु इसे सुखा सकता है। मतलब ये अजर अमर है, न भूत्वा भविता वा, न तो ऐसा पहले हुआ है न कभी होगा, ये अजर अमर है। इस बात पर इन्होंने बहुत जोर दिया है। बच्चों, यहां तिलक जी ने राजनीतिक, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। देखो, राजनीति, धर्म और स्वशासन, स्वशासन माने सुशासन, अच्छी व्यवस्था पर इन्होंने विवेचन किया है, अपनी बात को लोगों के सामने रखी है। प्रस्तुत पाठ में स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। अटूट मतलब बच्चों विशेष रूप से आस्था इनकी थी। कई लोग ऐसे हैं कि जब उनके ऊपर मुसीबत आती थी तो उस मुद्दे को छोड़ देते थे, टल जाते थे, अंग्रेजों के आतंक से पूरी तरह से आतंकित थे। अगर कोई एकता की बात करता था तो अंग्रेज लोग उनको किसी न किसी बहाने परेशान करते थे, झूठे केस बना करके या और किसी ढंग से उनको प्रताड़ित करते थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी भी घुटने
नहीं टेके और आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया, सहयोग दिया। अब आइए हम लोग पाठ पढ़ते हैं, मैं इसकी व्याख्या करते जाऊंगा। मैं यद्यप शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह से जवान हूं। अब बच्चों, उम्र अधिक हो जाने के बाद ऑफ कोर्स वृद्धावस्था को लोग प्राप्त होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इनका जो मन था ना, वो जवान था। मन जवान कैसे था? लोगों को आजादी की लड़ाई में इकट्ठा करना, जैसे महात्मा गांधी ने एक झंडे के नीचे अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक किया, उसी प्रकार तिलक जी भी अपनी नेतृत्व क्षमता से, अपने आत्मविश्वास से लोगों को भारत की आजादी में अपनी आहुति देने के लिए, सहयोग देने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। मैं युवा अवस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। देखो, किसी भी कार्य करने के लिए, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो युवाओं में होती है, युवा हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। जो विद्यार्थी आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के हाथ में एक दिन देश की बागडोर आएगी और उन्हीं को देश संभालना है। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति, कोई शिक्षा मंत्री, कोई वित्त मंत्री, देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था को उन्हीं को संभालना है। तो कहते हैं कि मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। बच्चों, ये बोलना चाहते हैं कि जो एकता की लड़ाई है और उसमें मैं हार नहीं मानने वाला हूं, मैं ये स्वीकार करता हूं कि लोगों को एकत्रित करूंगा और इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है, चिर माने स्थायी युवा है, नई बात है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है, जर्जर माने पुराना, जैसे कोई इमारत होती है वो खंडहर हो जाती है, टूट जाती है, छत टूट जाती है, दीवारें गिर जाती हैं, तो जर्जर बोलते हैं उसको। तो ये शरीर बूढ़ा और जर्जर माने कमजोर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। जैसा कि मैंने कहा कि भगवत गीता से प्रेरित बातें हैं कि आत्मा जो है अजर अमर है, वो कभी मरता नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थापित हो जाता है, चला जाता है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई पड़े, होम रूल गतिविधियां माने जो देश में संस्थाएं बनाई गई थी आजादी की लड़ाई के लिए, लोगों को एक मंच पर लाया गया था, वो गतिविधियां भले ही कम ज्यादा हैं, कभी शांत हैं, कभी लोगों की भीड़ बढ़ गई है, कभी सुस्त दिखाई देती है, कभी लोग एक्टिव हैं, लेकिन वो गतिविधियां अमर है, वो चलती रहेंगी, व्यवस्था के अनुसार वो आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, सुस्ती उसके पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी है। देखो, अमर और अविनाशी माने जो नष्ट नहीं होता, विनाशी माने नष्ट होना, अविनाशी माने जो नष्ट नहीं होता, और अमर है, अमर माने जो आजादी की लड़ाई की हमारी भावना है वो हमारे दिल से कभी निकल नहीं सकती, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है, मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। देखो, मन, कोई ईश्वर की उपासना करता है, प्रार्थना करता है, उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि ईश्वर की प्राप्ति उसे न हो जाए। तो इसी प्रकार लोगों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अपने जो विल पावर है उसे मजबूत रखो और आजादी की लड़ाई लेकर ही हम रहेंगे। देखो, नेताओं में अगर नेता ही डर गए और पीछे हट गए तो जो उनके साथ लड़ने वाले लोग हैं वो अधिक समय तक नहीं टिक सकते। तो इस तरह से लोगों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार की के नेतृत्व की आवश्यकता है, तभी वह आगे जा सकते हैं।
जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है मतलब हमारे जन्म में ही है कि हम स्वराज लेकर रहेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इनका नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, लोगों को एक मंच पर एकता के सूत्र में बांधने के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ। अंग्रेज इस नारे से बहुत डर गए कि अब भारतीय जो है आजादी लेकर ही रहेंगे। उनके मन में कहीं न कहीं डर ये बैठ गया था। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूं। अब ये अपने आप को प्रेरित करते हो, अपने आप को खुद देखो। अगर आदमी नर्वस हो गया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, अगर होने वाला भी कार्य होगा तो नहीं होगा, मैं बूढ़ा नहीं हूं, कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती। जैसा कि मैंने बोला कि भगवत गीता की पंक्तियां हैं, ये आत्मा अजर अमर है, न तो इसे अग्नि जला सकती है, न तो किसी हथियार के द्वारा ये मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, न तो वायु इसे सुखा सकती है। तो ये प्रेरित करने के एक माध्यम है बच्चों, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहता हूं कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। अब अंग्रेज भारतीयों के नेतृत्व को तोड़ना चाहते थे, जो लोग उभर कर सामने आते थे उनको CID के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको बाधा डालने का, रुकावट डालने का प्रयास किया जाता था। तो ये बोले कि ये सब बातों से मैं ऊपर उठ चुका हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं उनके सामने भी करता हूं। अब ये किसी से डरने वाले नहीं है, पुलिस सिपाही CID कोई भी इनका कुछ नहीं कर सकता, ये सब बातों से ऊपर उठ चुके हैं। हाँ, कोई पकड़ नहीं सकता। मैं इस सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो पुलिस कमिश्नर थे उनके सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने करता हूं। कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित, वो IPS और जो कलेक्टर रहते हैं ना, IAS अधिकारी, उनके सामने वो घोषणा कर रहे हैं, मतलब किसी को डर नहीं रहे हैं। हाँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिप लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने करता हूं। आशुलिप माने टाइपिस्ट जो रहते हैं, वो जो इनके भाषण को मतलब क्या क्या बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड हुआ करता था कि गवर्नमेंट के सामने या अधिकारी के सामने, क्योंकि भड़काऊ भाषण बोलना या सरकार के खिलाफ बोलना एक लिमिट से वो अपराध माना जाता था। तो लेकिन इनको इन सब बातों की चिंता नहीं है। आजादी मेरा जन्मसिद्ध, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। मेरे सामने कलेक्टर बैठे हों, IPS IAS अधिकारी बैठे हों, कुछ बैठे हों, कुछ प्रभाव उसका मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। हम स्वशासन चाहते हैं, स्वशासन माने अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, और हमें मिलना भी चाहिए। जिस विज्ञान की परिणत स्वशासन से होता है, जिस विज्ञान की परिणत स्वशासन से होता है। अभी बच्चों हम कहते हैं विज्ञान जो है हमारे लिए अच्छा है, लेकिन विज्ञान के द्वारा अच्छी व्यवस्था होनी तो चाहिए। हाँ, विज्ञान के द्वारा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणत दासता से हो। दासता माने गुलामी से हो। देखो विज्ञान जो है हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वह विज्ञान जो हमारी भलाई के लिए हो, हमें उत्थान के पथ पर हमें अग्रसर करे, आगे बढ़ाए, हमारी उन्नति हो, हमें गुलामी दिलाए, हम किसी के गुलाम बने अंग्रेजों के, यह विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। राजनीति का विज्ञान इस देश में वेद है। देखो बच्चों हम भारतीय हैं, भारतीय जो है वेद उपनिषद गीता ये सबको मानने वाले हैं। तो कहते हैं कि हमारा विज्ञान जो है वेद है। हाँ, और वेद का देखो चार वेद है, वेद शब्द आए तो आप ये समझ लो बच्चों कि चार वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये चार वेद हैं जो भारतीय दर्शन के मूल ग्रंथ हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। अब देखो बच्चों कोई लड़ाई
बिना लोगों के, बिना युवाओं के, लोगों के सहयोग के, सहयोग से संभव नहीं है। जगाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई सोया है उसे जगा रहे हैं, ये नहीं। यहां जगाना चाहता हूं कि लोगों के जो कंफ्यूजन है, जो उनके मन में ये विचार है कि ये क्या है, कई लोगों के मन में ये विचार घर कर गया था कि हम कभी भी आजाद होने वाले नहीं हैं। तो लोगों के अंदर जो ये भावना घर कर गई थी उसे इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तो लेखक उसको कहता है कि मैं जो उनकी आत्मा मर गई थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके अंदर हीन भावना घर कर गई थी, दास्ता घर कर गई थी, गुलामी घर कर गई थी, उसे मैं उनके मन के अंदर के डर को, दास्ता को, गुलामी को भगाना चाहता हूं, उन्हें जागरूक बनाना चाहता हूं, मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूं। ये पर्दा जो उनके ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है उसे मैं हटा देना चाहता हूं कि आजादी के बाद हमारे फायदे क्या हैं। इस समय हम गुलामी की बेड़ी में जकड़े हुए हैं तो हमारा मान सम्मान, धन दौलत, प्रतिष्ठा सब व्यर्थ हो गया है। हम सिर उठाकर चल सकते हैं। आपने इतिहास को पढ़ा है तो लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, जो पब्लिक प्लेसेस है ये सब पे, कुछ खास वीआईपी लोग जो भारतीय थे, जो अंग्रेजों की क्या बोलते चमचागिरी करते थे या उनके अधिकारी के तौर पर, ऐसे कर्मचारी के तौर पर काम करते थे, सिर्फ उन्हीं को मान सम्मान थोड़े लोगों को था, बाकी भारतीय को कोई इज्जत नहीं थी, उनको कदम कदम पर उनका अपमान होता था। तो कहते हैं बच्चों आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं, मैं उस पर्दे को हटा देना, अज्ञानता के पर्दे को हटा देना चाहता हूं जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। अच्छा, कुछ भारतीय लोग भी थे जो अंग्रेजों के क्या बोलते जाल में फंस गए थे, उनके कुचक्र में, उनके गलत षड्यंत्रों में फंस जाने के कारण वो भी उनकी तरफदारी करने लगे थे और वो स्वार्थी लोग थे, उनके थोड़े से स्वार्थ के लिए। अभी आप स्वार्थ की बात कर रहे हो, अभी जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर बम फोड़ देते हैं या नुकसान कर देते हैं तो उनको लालच रहता है कि आपको 10 लाख, 5 लाख या ये वो मिलेगा। तो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कितना बड़ा विघटनकारी या खराब कार्य वो कर देते हैं, तो ये लोग स्वार्थी रहते हैं। उन स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है, अज्ञानता का पर्दा डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं, कौन सा? पहला देवी, दैवी और दूसरा राक्षसी। दैवी माने ईश्वर प्रदत्त जो है, दूसरा राक्षसी माने लोगों के द्वारा, बुरे लोगों के द्वारा दिया गया है, दो भाग हैं। मतलब क्या हुआ, एक विज्ञान से लोगों की भलाई के कार्य होता है, जैसे न्यूक्लियर है तो उसे पावर प्लांट होता है, खगोलीय विज्ञान का कुछ ऐसा होता है, जानकारी होता है, दूरबीन बनाए जाते हैं, हमको प्लैनेट की जानकारी मिलती है, तो वो दैवी है, उससे भलाई के कार्य होते हैं, ठीक है। और एक ऐसा रहता है जिससे विघटनकारी शक्तियां, न्यूक्लियर बम वगैरह ये सब ऐसे बनाए जाते हैं लोगों के डराने, धमकाने, आक्रमण करने के लिए, राक्षसी, उसको राक्षसी की श्रेणी में आया गया है। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है, एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता, उसकी कोई नैतिकता नहीं है। जो लोग बुरे काम करते हैं, दूसरे के देश में जाकर के अपने वश में कर लेते हैं, लोगों को गुलाम बना देते हैं, तो ये इसका कोई नैतिक और औचित्य नहीं है, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है और प्रॉपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, और न तो ये किसी भी श्रेणी में न्यायपूर्ण और तर्कसंगत इसको नहीं कहा जा सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है वह ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कई लोग बोलते हैं अरे हम स्ट्रांग हैं इसलिए आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। शासन कर रहे हो तो अपनी भूमि पर जाकर करो, और शासन कर रहे हो तो लोगों को दुखी और पीड़ित क्यों कर रहे हो, लोगों को अपमानित क्यों कर रहे हो, तो ये बताया गया है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, कुछ लोगों में
उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक। कई लोग जो नुकसानदायक बातें भी हैं वो लोगों को बता देते हैं जबकि उससे उनका नुकसान होता है, मतलब हिम्मत होती है। और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता और कुछ लोग उस बात को नहीं बताते हैं। मतलब जो कड़वा है और असत्य है, कड़वा है और असत्य है, लोग बता देते हैं और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता, वो नहीं बता पाते। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। राजनीति और धर्म, बच्चों देखो हमारा संविधान कैसे बना है। हमारा संविधान हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर बना है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके, जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को समानता का अधिकार दे करके, सबको पूजा पाठ का अधिकार करके, वो धर्म के आधार पर ही बना है कि कोई दुखी पीड़ित ना हो। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए वरीयता दी गई है, जो कमजोर लोग हैं उनको सम्मान और मान देने की बात कही गई है, तो वो धर्म के आधार पर कही गई है, इक्वालिटी के आधार पर कही गई है, सबको समान अधिकार मिले, ये बात करके हमारा संविधान बना है। उसमें बताते हैं बच्चों कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। राजनीति और धर्म शिक्षा का, ये राजनीति और धर्म जो है हमारी पढ़ाई का, शिक्षा का एक अंग है। देखो बच्चों, राजनीति माने सिर्फ पॉलिटिकल ऐसा नहीं है, राजनीति माने देश का राजनीति, क्षेत्र का राजनीति, परिवार की राजनीति, राजनीति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और ये शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, धर्म और राजनीति अलग नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। दर्शन माने फिलॉसफी है बच्चों, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये। दर्शन माने फिलॉसफी है बच्चों, वो बहुत ऊंची बातें कही गई है। उसमें यह बताया गया कि एजुकेशन क्या है, उसको देने की प्रक्रिया क्या है, पढ़ने के बाद लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में कैसे जाया जाता है, किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं, वो सब बातें बताई गई है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे राज्यों, छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, मतलब उन दिनों की बात है ये बच्चों हैं। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। अब इंग्लैंड जो है बेल्जियम जैसे छोटे देश को भारत की सहायता से संरक्षण दे रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें आजादी नहीं मिलनी चाहिए, स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। स्वशासन का अर्थ ये होता है बच्चों कि अपना खुद का शासन, अपना राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपना क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरे देश की तुम वकालत कर रहे हो कि वहां मिलना चाहिए, कि कौन से कंट्री का बताया, बेल्जियम का, छोटे से देश का, और किसकी मदद से, भारत की मदद से वहां पर सपोर्ट कर रहा है और भारत को गुलाम बनाकर रखा है। तो इस तरह से लोगों ने, इन्होंने लोगों को एकत्रित किया इन बातों को बता करके। जो हमसे दोष देखते, जो हम में दोष देखते हैं, कमियां देखते हैं, वे लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपाल ईश्वर में भी दोष देखते। कहते हैं कि ऐसे स्वार्थी लोग भी समाज में हैं जो हमारे अंदर कमियां देखते हैं, दोष देखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपाल ईश्वर में भी, कुछ लोग ऐसे हैं कि ईश्वर में भी उनमें कमियां दिखाई देती हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। मतलब क्या बच्चों, कठोर प्रयास का अर्थ यह है, करो या मरो, ऐसा प्रयास जो कभी निष्फल न हो। देखो किसी के ऊपर आक्रमण करना या किसी चीज का सामना करना अगर हम पूरी तैयारी से करते हैं तो कामयाबी लगभग निश्चित है, लेकिन आधे अधूरे प्रयासों से करेंगे तो कामयाबी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि कठोरतम, अपनी रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए, अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में भी, में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। हित माने कल्याण। देखो
जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा करना, अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना, इसमें हमारे देश की भलाई है, इसी में देश की भलाई है। देखो बच्चों, आज हम आजाद हो गए, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटे छोटे प्रयासों से जो बड़े प्रयास हुए ना, वो बहुत कारगर हुए। जो भारतीय लोग जाति धर्म संप्रदाय भाषा ये सबको भूल करके एकता के साथ एकत्रित हुए और अंग्रेजों को निकाल बाहर फेंका। ये जो आंदोलन धीरे धीरे 1857 में शुरू होकर के 47 तक चला बच्चों, उसी का परिणाम ये है कि आज हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सारी दुनिया में भारत का नाम है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है। कांग्रेस माने बच्चों उन दिनों जो एक पार्टी हुआ करती थी, वो उसकी देन है, जो अभी भी है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। कृत संकल्प माने प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्पना करते हैं कि उस प्रस्ताव को हम लागू करके ही रहेंगे, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूम में ही ले जाए। मरुभूम माने मरुस्थल में ही ले जाए, या बुरे वक्त को ही क्यों ना दिखा दें, लेकिन हम ये प्रतिज्ञा संकल्पना लेते हैं कि हम इस प्रस्ताव को लागू करके रहेंगे। मरुभूम उसको कहते हैं बच्चों कि जहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता है, उसको मरुभूम, मरुस्थल, डेजर्ट कहते हैं। चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, अज्ञातवास ऐसा बोलते हैं बच्चों, ये महाभारत में एक शब्द है, पांडवों को एक वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास माने वो ऐसी जगह पर रहें या ऐसा भेष बदल कर रहें जहां पर उन्हें कोई पहचान न सके कि अर्जुन है, ये भीम है, ये है। मतलब अगर वो पहचान मालूम पड़ गया तो वो कैंसिल, तो ये है अज्ञातवास में रहना पड़े। चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था, उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। मतलब यह है बच्चों कि सिर्फ कोई सम्मेलन में, कोई मीटिंग में तालियां बजाकर प्रस्ताव पार कर दिया, ऐसा नहीं। आप दिल से उस बात को स्वीकार करो और ये बताओ कि आप उसको करके रहोगे, कंप्लीट, पूरा करके रहोगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया कि भारत सहयोग के बिना, भारत में सहयोग के बिना इंग्लैंड अब नहीं चल नहीं सकता। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया, जो विदेशी प्रशासक थे उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुरानी एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी, जो धारणाएं लोगों की थी अब वो बदलना होगा। मतलब अब आजादी की सुबुगाहट जो है शुरू हो गई। फ्रांसीसी रणनीति में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। अब ये देखो, फ्रांसीसी रणभूमि में भारत के सैनिक भेजे गए थे बच्चों, भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। अब भारतीय सैनिक भी थे, अब लड़ाई के क्षेत्र में, फ्रांस में, फ्रांसीसी रणभूमि पर, उनकी जमीन पर ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई। जो ब्रिटिश सैनिक थे जो हमारे देश में शासन कर रहे थे, उन सैनिकों की जान बचाई। अब जान बचाने का मतलब यह है कि उनको, उनके प्राण बचाए, ये बहुत बड़ी बात थी। वो लोग इससे बहुत प्रभावित हुए बच्चों, बहादुरी का परिचय दिया। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अब ये कहते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं 30 करोड़, वो किसी भी कीमत पर आजादी लेकर रहेंगे और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। यहाँ पर शब्द वाटिका दिया है बच्चों, कुछ शब्द है, पाठ में मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी आप देख लो। जर्जर माने कमजोर, ये आत्मा के
संदर्भ में दिया गया है, जर्जर इमारत, जर्जर पुल, जर्जर सड़क, आप वाक्य में प्रयोग करते समय ये बातें कर सकते हैं। होम रूल यहां पर एक आया है, एक ऐतिहासिक आंदोलन है होम रूल। आशुलिपि, संकेतिक लिपि, जब कोई भाषण देता है बच्चों तो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से एक व्यक्ति होता है जो उसको टाइप करता है, लेकिन वो टाइप शॉर्टकट में रहता है क्योंकि आदमी तेजी से बोलता है, उतने तेजी से टाइप करना संभव नहीं है, तो शॉर्टकट में ऐसा करता है कोडवर्ड में कि एक प्रूफ के तौर पर रहे, सरकार को बताने के लिए इसने भाषण में ये बातें बोली, शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है वहां पर। नैतिक माने नीति संबंधी, औचित्य उपयुक्तता, उचित होने की व्यवस्था, मतलब हम बातचीत करते समय कहते हैं कि इस बात का क्या औचित्य है, क्या क्या आपने ये बात बोली तो उसका औचित्य क्या है, क्या मतलब है उसका। कृत संकल्प मतलब निश्चित करना, जिसने पक्का संकल्प किया हो, प्रॉमिस किया हो, ओथ लिया हो कि हम ये करके रहेंगे। मरुभूमि बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ माने जहां पर कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। संवैधानिक संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संविधान के अनुसार। अवगत कराना, परिचित कराना या बताना, आप हमें इस बात से अवगत करा देना, साहित्यिक भाषा में बोलते हैं। अब मुहावरा आ गया बच्चों एक, आंखों से पर्दा हटाना, यहाँ पर आया हुआ है, वास्तविकता से अवगत कराना, जो अंग्रेजों के मोह माया जाल में उलझे हुए थे उनको तिलक जी ने उनके आंखों से पर्दा हटा दिया, जो पर्दा था वो हटा दिया। तिलक जी ने कहा है कि यद्यपि शरीर से जवान किंतु उत्साह से बूढ़े हैं, इसको ये गलत दिया हुआ है, इसको सही करके आपको लिखना है बच्चों, टेक्स्ट बुक के उस पाठ में दिया हुआ है। तिलक जी ने कहा है कि वे यद्यपि शरीर से जवान है, ठीक है, जवान की जगह पर बूढ़ा शब्द आपको लिखना है, तिलक जी की उम्र हो गई थी, उन्होंने कहा कि वो शरीर से बूढ़े हैं, और उत्साह से बूढ़े की जगह पर जवान, उत्साह से जवान है। तो उत्तर इसका क्या हो गया बच्चों, तिलक जी ने कहा कि वे यद्यपि शरीर से बूढ़े हैं किंतु उत्साह से जवान है, ये हो गया इसका सही उत्तर। प्रांतीय सम्मेलन में, प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है बच्चों, प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन नहीं है, ये किसकी देन है, कांग्रेस की देन है, जो अंतिम वाक्यों में पैराग्राफ में आपने पढ़ा वो कांग्रेस की देन है। अब कृति पूर्ण करके लिखो, ऐसी कृति आएगी आपको पूर्ण करके लिखना है। जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषता, कहते हैं ना स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषता क्या है। मैंने कहा कि ये पाठ जो है तिलक जी भगवत गीता से प्रेरित हैं, उन्होंने कहा कि कोई हथियार इसे काट नहीं सकता, पहला लिखो, कोई हथियार इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, और कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे मार नहीं सकती, और आगे और होता तो कोई हथियार इसे काट नहीं सकता वो भी है। तो इस तरह से चार उत्तर ये इसके हो गए। यहां पर देखो बच्चों, टिप्पणी लिखने के लिए कहा है कि लोकमान तिलक के बारे में टिप्पणी और होम रूल क्या है, और लोकमान तिलक जी द्वारा दिया गया नारा, नारा जो है आपका पाठी है बच्चों, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ये नारा दिया है। बच्चों होम रूल यहां पर दिया हुआ है, लोकमान्य तिलक और होम रूल, लोकमान्य तिलक के ऊपर आधारित ये पाठी है बच्चों, हाँ, और होम रूल क्या है यहां पर दिया हुआ, आपको एक टिप्पणी लिखना है होम रूल क्या है, तो मैं इसका उत्तर पढ़ देता हूं, आप देख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने
1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। इसकी स्थापना के उत्तरदायी अनेक कारक है, जिम्मेदार अनेक कारक है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर उपयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर लाद दिए गए, टैक्स दिए गए। साथ ही जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी, महंगाई बढ़ गई। जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं बच्चों, उस पर टैक्स लग गए और महंगाई बढ़ गई। त्रस्त भारतवासी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे, लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर दबाव डालना आवश्यक है। होम रूल लीग की शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बरार में खोली गई। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। होम रूल आंदोलन धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा तथा इसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। ये बहुत पॉपुलर हो गया और लोगों की संख्या, लोग इसके साथ जुड़ते गए और संख्या बढ़ती गई। लीग द्वारा सामाजिक कार्यों का आयोजन किया गया तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों की भागीदारी निभाई गई। तो ये होम रूल है। अब कुछ ग्रामर की बातें हम लोग करेंगे बच्चों। पर्यायवाची शब्द है, जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं, कि शरीर, देह, काया, वदन, बदन, देह, काया और बदन, ये शरीर के पर्यायवाची हैं। परमात्मा, ईश्वर, देव, भगवान, ईश। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। प्रयास, प्रयास का पर्यायवाची, कोशिश, प्रयत्न, यत्न। राक्षस, असुर, निशाचर। बहादुर, साहसी, वीर, हथियार, अस्त्र शस्त्र। दास, चाकर, सेवक, नौकर। जल, पानी, नीर, अंबु। हवा, पवन, वायु, समीर। विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट, विपरीतार्थक। पास, दूर, अपने, पराये, पुलिस, चोर। बूढ़ा, जवान या युवा। पीछे, आगे। स्वतंत्र, परतंत्र। एक, अनेक। शक्ति, अशक्ति। समान, असमान। सबल, निर्बल। ज्ञानी, अज्ञानी। नैतिक, अनैतिक। उचित, अनुचित। लाभकारक, हानिकारक। लाभदायक, हानिकारक, उसका भी है। शिक्षा, अशिक्षा। छोटा, बड़ा। कठोर, नरम या मुलायम। दोष, निर्दोष। वचन बदलिए, एक वचन, बहुवचन, अनेक वचन। मैं, हम। घोषणा, घोषणाएं। शक्ति, शक्तियां। बूढ़ा, बूढ़े। बुढ़िया, बुढ़िया, चंद्रमा वाली बिंदी, बुढ़िया। भावना, भावनाएं। सभा, सभाएं। आंख, आंखें। ताली, तालियां। गतिविध, गतिविधियां। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाएं। धारणा, धारणाएं। ठीक है, अब लिंग बदलिए, लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, युवक, युवती। ठीक है, ये बच्चों व्याकरण का हिस्सा था। इस प्रकार ये स्वतंत्रता आंदोलन लेखक ने आपको बताया, बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार लोगों को एकत्रित किया और हमें आजादी दिलाई। आजादी मतलब आजादी के सूत्रधार थे, उन्होंने शुरुआत की। आजादी तो हम लोगों को 47 में मिली, तो ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। धन्यवाद।